नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आगरा में डॉक्टर एजेंटों ने मिलकर शर्मनाक साजिश रच डाली। प्रसव के बाद नवजात को बिकवा दिया। जब मां की ममता जागी तो थाने पहुंची और मुकदमा दर्ज कराया। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज की द टॉप स्टोरी में। थाना लोहा मंडी स्थित एक हॉस्पिटल में प्रसव के बाद नवजात शिशु को बेचने का मामला सामने आया है। मामले में डॉक्टर सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर बच्चे को मृत बताकर डिलीवरी कराने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि बच्चा दिल्ली की दंपत्ति ने खरीदा है, एजेंटों के माध्यम से बिक्री की गई, उसकी बरामदगी के लिए टीम लगी हुई है। थाना लोहा मंडी स्थित एक हॉस्पिटल में प्रसव के बाद नवजात शिशु को बेचने का मामला सामने आया है। मामले में डॉक्टर सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर बच्चे को मृत बताकर डिलीवरी कराने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि बच्चा दिल्ली की दंपत्ति ने खरीदा है, एजेंटों के माध्यम से बिक्री की गई है, बच्चे की बरामदगी के लिए टीम लगी है, आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र की नीलम बुधवार को पुलिस आयुक्त से गुहार लगाने पहुंची। उन्होंने बताया कि 8 महीने की गर्भवती होने पर उन्हें 7 जुलाई को लोहामंडी स्थित उषा देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में बच्चे की धड़कन नहीं है, ऑपरेशन करना होगा, 20,000 रुपए का खर्च आएगा। हॉस्पिटल में ही पश्चिमपुरी की रहने वाली माया नाम की महिला मिली। उसने कहा कि बच्चा जिंदा हो तो मुझे दे देना, इलाज का खर्च वो उठा लेगी। इस पर नीलम तैयार हो गई। माया ने 20,000 जमा कर दिए। बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हुआ, उसे कोई समस्या नहीं थी। 2 दिन बाद वो बेटे को लेने माया के पास आई तो पता चला कि उसने बच्चा किसी ज्ञान सिंह को दे दिया है। ज्ञान सिंह ने भी बच्चे को ज्यादा कीमत में दिल्ली के दंपत्ति को बेच दिया। अब वो अपने बच्चे के लिए परेशान है। पुलिस आयुक्त ने ACP लोहा मंडी दीक्षा सिंह को जांच के आदेश दिए। ACP ने बताया कि मामले में अपहरण, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। नवजात को दिल्ली में बेचने की जानकारी मिली है, टीम को वहाँ भेजा जा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। वह थाना लोहा मंडी भी गई थी, मगर पुलिस ने हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मिलकर पति को धमकाया, जेल भेजने की धमकी भी दी, कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी करा लिए। विगत दिनों शहर में बच्चों की खरीद फरोख्त ही नहीं, चोरी के मामले भी सामने आ चुके हैं। ट्रांस यमुना कॉलोनी में घर के अंदर से बच्ची चोरी हो गई थी। लेडी लॉयल अस्पताल से भी बच्ची को चोरी कर लिया गया था। इन घटनाओं का खुलासा नहीं हो सका था। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि जगदीशपुरा थाना क्षेत्र की नीलम बुधवार को पुलिस आयुक्त से गुहार लगाने पहुंची। उन्होंने बताया कि 8 महीने की गर्भवती होने पर उन्हें 7 जुलाई को लोहा मंडी स्थित उषा देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में बच्चे की धड़कन नहीं है, ऑपरेशन करना होगा, 20,000 रुपए का खर्च आएगा। हॉस्पिटल में ही पश्चिमपुरी की रहने वाली माया नाम की महिला मिली। उसने कहा कि बच्चा जिंदा हो तो मुझे दे देना, इलाज का खर्च वो उठा लेंगी। इस पर नीलम तैयार हो गई। माया ने 20,000 जमा करा दिए। बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हुआ, उसे कोई समस्या नहीं थी। 2 दिन बाद वो बेटे को लेने माया के पास गई। पता चला कि उसने किसी ज्ञान सिंह को दे दिया है। ज्ञान सिंह ने भी बच्चे को ज्यादा कीमत में दिल्ली के एक दंपत्ति को बेच दिया। अब वो अपने बच्चे के लिए परेशान हैं। और आपको बता दें कि इसी पूरे प्रकरण में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप के साथ। तो संदीप, बताइए कि क्या है ये पूरा प्रकरण। देखिए अंजलि, जो पूरा मामला है ये विगत दिनों जो पुलिस कमिश्नर हैं आगरा डॉक्टर प्रतिंदर सिंह, उनके यहाँ एक महिला अपनी फरियाद लेके पहुंची थी और उसने शिकायत की है कि उसके बच्चे को अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके अन्य साथियों के साथ जो है उनके बच्चे को डॉक्टरों ने बेचा है। इस पूरे प्रकरण में जो डॉक्टर प्रतिंदर सिंह जो कमिश्नर हैं उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। लोहा मंडी ACP जो दीक्षा सिंह हैं उस पूरे प्रकरण में जो है जांच कर रही हैं।
अगर बात की जाए तो पूरा प्रकरण 7 जुलाई का बताया गया है, जिसमें जो नीलम है जो पीड़ित है उस महिला का कहना है कि उनके द्वारा जो है जब वो प्रेग्नेंट थी 8 महीने का टाइमिंग था, उनके जो पेट में बच्चा था उस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से जांच कराई थी और उस पूरे प्रकरण में डॉक्टरों का कहना था कि उस उनके बच्चे की धड़कनें नहीं चल रही हैं तो और उन्होंने उस बच्चे को मृत घोषित बताया था और इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो वहाँ एक महिला मौजूद थी, माया नाम से एक महिला थी, उस महिला को जो है उन्होंने उसका उपचार कराया, डिलीवरी हुई और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा था उसको माया ने जो है किसी एजेंट जो ज्ञान सिंह है ज्ञान सिंह को भेज दिया, ज्ञान सिंह ने उस बच्चे को जो है किसी दिल्ली की दंपत्ति है उनको बेचा है। इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से महिला ने जो शिकायत की है उस पर जो है जो अधिकारीगण हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर से शिकायत हुई है, उसमें जो ACP लोहा मंडी दीक्षा सिंह है उन्होंने कमेटी गठित की है की टीमों को जो है दिल्ली के लिए रवाना किया है। जी संदीप, ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण में 3 चिकित्सक सहित 3 लोगों को उन लोगों पर केस दर्ज हुआ है, तो इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से महिला ने जो शिकायत की है उसको देखते हुए जो लोहा मंडी पुलिस है उन्होंने डॉक्टर सहित अन्य 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुट गई है, कई टीमों को जो है गठन किया गया है और जो टीमें हैं वो बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए दिल्ली गई हुई हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस इस पूरे प्रकरण में गहनता से जाँच कर रही है और हर बिंदु पर जो है जिस तरीके से जो महिला का आरोप है उसने डॉक्टर पर भी आरोप लगाया है, अन्य जो महिला है माया जिसने डिलीवरी का पैसा जमा कराया था 20,000 रुपए, पुलिस लगातार ऐसे इन लोगों से भी वार्तालाप करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए जो महिला थी जो माया जिसने उपचार का पैसा दिया था फिलहाल वो भी फरार है अभी और पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, तो जो टीमें हैं वो दिल्ली गई हुई हैं और बच्चे की बरामदगी का प्रयास अभी किया जा रहा है। जी संदीप, ये बताइए कि ये जो पूरा प्रकरण जिस अस्पताल में हुआ यानी उषा देवी अस्पताल जो है, क्या ये इसमें पहला मामला है या इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं? देखिए, अगर अस्पताल की अगर बात की जाए तो इस तरीके का प्रकरण ये उषा देवी जो हॉस्पिटल है उसमें पहला ही मामला है। अगर बात करें बच्चा चोरी की या जो बच्चे जो गायब हो जाते हैं, अन्य में भी इस तरीके की जो है कई शिकायतें मिली हैं। अगर बात करें तो ट्रांसयमुना क्षेत्र से एक मकान से जो है एक बच्ची को विगत दिनों चोरी हुई थी और लेडी लाइन जो अस्पताल है महिला अस्पताल वहाँ से भी जो है बच्चियाँ चोरी हो चुकी हैं, इस मामले में शिकायत भी की गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और यही वजह है कि जो बच्चा चोर जो गैंग है या इस तरीके के जो एजेंट हैं जो बच्चे को जो है माँ से ले लेते हैं और जो दंपत्ति हैं जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं उनको अच्छी खासी रकम में ये लोग बेच देते हैं, तो इस तरीके के प्रकरण पूर्व में भी कई सामने आए हैं। फिलहाल जो पुलिस है हर पहलू पर जाँच कर रही है और बच्चे की तलाश की जा रही है। जी संदीप, आपने जैसे बताया कि ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं सामने, तो क्यों शिकंजा नहीं कसा जा रहा है ये बच्चे चोरी के मामलों पर, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले आपने बताया कि सामने आ रहे हैं, तो अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी है इसकी आपके पास? देखिए, हमारी इस पूरे प्रकरण में जो आपके लोहा मंडी सर्कल जो ACP हैं दीक्षा सिंह उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि जो नीलम करके जो प्रार्थी है उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की है और वहीं उच्च अधिकारियों के आदेश से जो है इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अभी हर पहलू पर जाँच कर रही है क्योंकि इसमें सवाल जो खड़े होते हैं वो चिकित्सक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही अन्य 3 के खिलाफ जो है मुकदमा जो पुलिस ने दर्ज किया है उसमें पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है और बच्चे की बरामदगी की अगर बात की जाए तो उसके लिए कई टीमों को जो है दिल्ली भेजा गया है, क्योंकि जो महिला है ये पश्चिमपुरी की रहने वाली है, जो नीलम है सॉरी जो माया महिला है जिसने नीलम का उपचार कराया था डिलीवरी के दौरान वो पश्चिमपुरी की रहने वाली है और फिलहाल माया भी अभी अपने घर से जो है गायब है, पुलिस उसकी भी जो है तलाश कर रही है। किस तरीके से ये जो गैंग है
सक्रिय रहता है, कैसे बच्चों को ये कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं, इस पर भी पुलिस लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल ये एक बड़ा मामला है जिस तरीके से सामने आया है, और पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जी संदीप, ये बताइए कि जो ये पूरा प्रकरण जहां हुआ, जिस अस्पताल में हुआ, उस अस्पताल के प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना होना, वहां पर उसके बाद केस दर्ज हो जाना, महिला थाने पहुंच गई है, तो इस प्रकरण में अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, अगर अस्पताल प्रशासन के अंदर अगर बात की जाए तो मौके पे हम लोग पहुँचे थे, सी न्यूज़ की टीम वहाँ पहुँची थी, लेकिन कोई भी रिसेप्शन पर कोई भी वार्तालाप करने को तैयार नहीं था, ना ही वहाँ डॉक्टर मिले थे, क्योंकि जिस तरीके से मुकदमा अस्पताल प्रशासन के खिलाफ दर्ज हुआ है, अन्य तीन लोगों के नाम भी उसमें हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से जो चिकित्सक से हम लोगों ने जब बात करने का प्रयास किया टेलीफोन पर भी, तो उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। फिलहाल कहीं ना कहीं मामला थोड़ा पेचीदा है, और लगातार पुलिस बच्चे की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है, कई टीमों को गठित कर दिल्ली भेजा गया है। वहीं जो एसीपी लोहा मंडी दीक्षा सिंह है, उनका कहना है कि बच्चे को जल्द बरामद कर लिया जाएगा, और जो दंपत्ति हैं जिसने बच्चे को खरीदा है वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनसे संपर्क हो गया है, और वहाँ से पुलिस जो है अपनी कस्टडी में बच्चे को लेकर आगरा आएगी, और इस पूरे प्रकरण में जो अन्य जो नाम है, चाहे वो चिकित्सक हों चाहे उनके अन्य साथी हों, उन पर जो है पुलिस शिकंजा कसने के लिए अपनी अपनी जो है दबिशें दे रही हैं, लेकिन अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अगर बात की जाए तो जो टीमें दिल्ली गई हैं वो बच्चे को लाने के लिए जो वहाँ दंपत्ति हैं जिन्होंने बच्चा खरीदा है उनसे वार्तालाप कर रही है, और जल्द ही उनका कहना है कि बच्चे को सकुशल बरामद करते कर और आगरा लेकर आया जाएगा। जी संदीप, ये बताइए कि इस मामले में जिस महिला का जो बच्चा चोरी हुआ है उससे क्या संपर्क हो पाया आपका? देखिए अंजलि, अगर इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो ये जो शिकायत है बुधवार को जो है जो महिला है नीलम, उसने कमिश्नर जो है डॉक्टर प्रतिंदर सिंह से जो है शिकायत की थी। ये जो घटना है वो बुधवार की है, और जिस तरीके से जो पूरा उसने वाक्य बताया है वो जुलाई से संबंधित है, लेकिन अभी जिस तरीके से जो सूचना दी गई है, चाहे प्रार्थी का उसमें नंबर हो, ना ही जो प्रार्थी है नीलम, ना ही उनसे कोई संपर्क हो पाया है। फिलहाल अभी पुलिस प्रशासन भी इसमें जो अगर अधिकारीगण की बात करें तो वह भी अभी इसमें कुछ नहीं कह पा रहे हैं। फिलहाल जो जिस तरीके से शिकायत दी गई है महिला ने, उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल बच्चे को जो है सकुशल लेके आने के लिए पुलिस की टीमों को रवाना किया गया है। फिलहाल जो पुलिस का जो मोटिव है बच्चे को यहाँ पर आगरा लेकर आने का है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि पुलिस आयुक्त ने एसीपी लोहामंडी दीक्षा सिंह को जांच के आदेश दिए हैं। एसीपी ने बताया कि मामले में अपहरण, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धारा में केस दर्ज किया गया है। नवजात को दिल्ली में बेचने की जानकारी मिली है, टीम को वहां भेजा जा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, वह थाना लोहा मंडी भी गई, मगर पुलिस ने हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मिलकर महिला को धमकाया। आपको बता दें कि जेल भेजने की धमकी दी, कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी करा लिए। विगत दिनों शहर में बच्चों की खरीद फरोख्त ही नहीं, चोरी के मामले भी लगातार सामने आ चुके हैं। ट्रांस यमुना कॉलोनी में घर के अंदर से बच्ची चोरी हो गई थी, और लेडी लॉयल अस्पताल से भी बच्ची को चोरी कर लिया गया था, और इन घटनाओं का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। तो आज फिलहाल द टॉप स्टोरी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।